हाय एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप दोस्तों, ये है मेरे पास, ये देख लीजिए, ब्लैक डेकर कंपनी का ये आयरन है। कस्टमर ने बोला ये चालू नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेता मैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर चेक कर लेते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको चेक कर लेता हूँ मैं, सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर आप चेक करोगे ना तो आपको उसके अंदर जो फॉल्ट रहेगा ना वो पता चल जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर ही चेक कर लो, डायरेक्ट चेक मत करो। तो ये देख लीजिए, सीरीज टेस्ट लैंप ले लिया मैंने, इसको देख लीजिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बल्ब तो जल रहा है दोस्तों, बल्ब तो चालू है, इसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चल रहा है इसमें, तो इसको ओपन करना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये इस्त्री को बहुत पुराना इस्त्री है, ये देखो यहाँ पे इसका ये रहता है, ये ख़राब हो गया अब इस तरह से। ये शायद इसका ऊपर का जो ढक्कन है ना टूट गया, इसके अंदर से ये रहता है, इसकी वजह से ब्लैक, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ब्लैक डेकर इस कंपनी का नाम है। बहुत पुराना है, कल कस्टमर ने लेके आया था मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको भी दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगा। आपको स्किप करके मत देखें, स्किप करके देखोगे ना तो आपको उतना समझ में आएगा। आप अपना कीमती समय देखे ये वीडियो देख रहे हो, और आपके आप वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं तो बोलता आप मेरा वीडियो एक ही बार देखिए और अच्छी तरह से फुल वॉच करें, फॉल्ट रहेगा तो आपको पता चले। फिलहाल मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ, इसके बाद इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक कस्टमर है ना, मेरे को बोल रहा था ये गर्म नहीं हो रहा है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसका लॉक है, यहाँ पे इसका स्क्रू है, सबसे पहले ये देख लीजिए, ओपन करिए देख लीजिए, ये शायद ये रेगुलेटर है इसका, इसको कपड़े से ये कर लेता हूँ मैं, शायद ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा लाइन कॉटन वुड स्किन, ये देखो यहाँ पे लिखा है, जिस हिसाब से आपका कपड़ा रहेगा ना तो सर, कभी कॉटन का कपड़ा रहता है, कभी लाइन का कपड़ा रहता है दोस्तों। ये शायद दोस्तों ये बंद था मेरे को, एक बार चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे था कस्टमर, देख लेते हैं इसके अंदर क्या, इसको फिलहाल डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ मैं, तो डायरेक्ट दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। दोस्तों ये जो आयरन है ना, ये जो ये है ना, उसने शायद ये रेगुलेटर बंद करके रखा था दोस्तों, ये देखो यहाँ पे इसका रेगुलेटर है ना, वो शायद बंद किया था कस्टमर ने, शायद वो बोल रहा था ये गर्म ही नहीं हो रहा है, ये तो थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते, पूरी तरह से गर्म होगा तो ये बस पता चल जाएगा। इसको चालू कर दिया मैंने अभी खुला, ये देखो एक इंडिकेटर तो भी ये इसको देख लेते सिस्टम चालू रहेगा कि गर्म है कभी कभी, तो ये जो रेगुलेटर है ना उसके ऊपर ही इसको चेक कर लेते हैं। कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना कस्टमर कभी कभी रेगुलेटर है ना उसको बंद कर देता है, रेगुलेटर बंद करेगा ना दोस्तों तो क्या होता है, बाद में गर्म होगा नहीं ना, उसकी वजह से कस्टमर ने अभी रेगुलेटर था ना, ये रेगुलेटर बंद करके रखा था, इसकी वजह से वो चालू नहीं हो रहा है। देख लेंगे इसको, फिर से बंद कर देता हूँ मैं।
ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना दोस्तों, ये सही है, इसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो कस्टमर ने है ना ये रेगुलेटर, इसका जो रेगुलेटर का ये बंद करके रखा था शायद, इसको जैसे ये आयरन तो दोस्तों सही है, पूरी तरीके से गर्म हो रहा है फिलहाल, इसको और मैं कम से कम थोड़ा बहुत चालू करके देख लेता हूँ, उसके बाद आपको भी बता देता हूँ। कभी कभी हो जाता है दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी कभी हो जाता है, ये पूरी तरीके से आयरन सही है दोस्तों, प्रॉब्लम है नहीं कुछ उसका आयरन को, क्योंकि गर्म है, कभी कभी रेगुलेटर जो रहता है ना वो कस्टमर बंद करके रख देता है। इसको फिर से मैं, हाँ ये देख लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन सही है, धीरे धीरे गर्म हो गया है। कभी कभी क्या होता है, ये जो है ना, ये जो रेगुलेटर जो रहता है ना रेगुलेटर, वो कस्टमर बंद करके रख देता है, उसको समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत, ये तो पूरी तरीके से बंद कर दिया था, इसको मैंने अभी चालू कर दिया, उसके बाद ये तुरंत गर्म हो गया। कस्टमर बोल रहा था ये चालू नहीं हो रहा है, मतलब चालू होता है गर्म ही नहीं, तो कस्टमर ने रेगुलेटर ही ये बंद करके रखा दोस्तों। तो ये आयरन को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और रेगुलेटर का ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद।